सोचा नहीं था कि दस्तूर कुछ यूँ होगा, ना चाहकर भी इंसान इतना मजबूर होगा। ना ही एक राज्य, ना ही एक देश, बल्कि एक महामारी का पूरी दुनिया में इंसानियत को बड़ा संदेश होगा। इट्स वेरी ट्रू दैट ऑल इट टुक वॉज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक अस मोर ह्यूमन। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। हर देश अपनी पूरी ताकत इससे लड़ने में लगा रहा है। फिर वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही क्यों ना हो। यदि हम भारत की बात करें तो आज की तारीख में कोरोना केसेस देश में 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। भारत सरकार के दावों के अनुसार देश कोरोना से पूरी जान लगाकर लड़ तो रहा है, पर वहीं कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम इस बात को तो नहीं नकार सकते कि भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए कोविड-19 से देश के बचाव में, जैसे कि समय पर देश में लॉकडाउन लागू करना, अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर्स बनाना, कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करना। ऐसे अन्य कदम सरकार ने लिए, पर फिर भी इस महामारी के समय में देश सिर्फ इस बीमारी से ही नहीं बल्कि इसकी वजह से पैदा हुई अन्य समस्याओं से भी लड़ रहा है। क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लोगों का कहीं भी आना जाना बंद है, दुकानें बंद हैं, काम बंद है। इसके चपेट में आया मजदूर वर्ग पूरी तरह से पिस रहा है। गरीब इंसान जो अपने रोजगार के लिए देश के विभिन्न राज्यों में काम करता है वहीं फंस चुका है। अब इसके लिए भारत सरकार ने हर गरीब को राशन पहुंचाने का दावा तो कर दिया, पर वह ये नहीं जानते कि राशन तो उन्हीं लोगों को दिया गया जो उस राज्य के वासी हैं। प्रवासी मजदूरों के पास उस राज्य का राशन कार्ड ना होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पाया। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो हैं तो अपने ही प्रदेश में, पर उनके पास राशन कार्ड ना होने की वजह से उन्हें भी राशन नहीं मिला। हमारी सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति पैदा होते ही सबसे पहला काम किया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड बना। पर शायद देश के अधिकतम लोग ये नहीं जानते कि देश में यदि कभी भी कोई भी आपदा यानी कि डिज़ास्टर, इस तरह की महामारी की स्थिति पैदा हो तो उसके लिए पहले से ही प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड नाम का एक फंड मौजूद है।